फाइनली बाघा जतिन का ट्रेलर आ गया है एंड ट्रेलर के लिए एक ही वर्ड बोलूंगा मैं, दिस इज इमोशनल क्लास वाला ट्रेलर। भाई ट्रेलर के बारे में मैं क्या बोलूं, ट्रेलर के स्टार्टिंग में जो गूजबम्स आता है जब वो अपने बेटे को बोलता है कि मतलब हमें शेर नहीं मारना चाहिए, उसका बेटा बोलता है कि बट आपने तो शेर मारा था, उस टाइम पे जो गूजबम्स आता है, लिटरली वो जो म्यूजिक डाला है, फिर वो जो गूजबम्स मतलब वो पूरा नीचे से ऊपर तक मतलब चढ़ जाता है वो गूजबम्स, और इतना ज्यादा मतलब मैं तो डर गया दोस्तों सुन उसको देखने के बाद। एंड वो वीएफएक्स जो फायरफ्लाइज यानी जो ट्रिपल आर का वीएफएक्स किया उन लोगों ने किया, वो वीएफएक्स को देखकर मैं हिल गया भाई, वो रियल का शेर लग रहा था। एंड उसके बाद जो ट्रेलर में कैरेक्टर्स, अब तक आपने ट्रेलर में दूसरे ट्रेलर में देखा होगा हीरो के बारे में बता रहे, लेकिन इस ट्रेलर में हमें कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया, वो कोई कैरेक्टर नहीं है, मतलब वो जो पिक्चर में एक एक कैरेक्टर है वो कोई कैरेक्टर नहीं है, वो एक आजादी के मतलब आजादी का एक सपना है, एक बंदा जो आजादी में हाथ बटाया, जिन्होंने आजाद आज देश जो आजाद है हमारा, जो देश आजाद है हमारा, उसके पीछे वो एक एक यानी कि बोलते हैं ना एक चीटी जो एक लाइन बनाता है फिर ऊपर जाते हैं वो लोग, मतलब एक एक चीटी मिलकर एक बड़ी सी लाइन बनाती है, उसी तरीके से एक एक लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन, एक एक कैरेक्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया गया जितना देव को इंपॉर्टेंस दिया इस ट्रेलर में। मैं सल्यूट करता हूं देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स को, उन्होंने एक ऐसा ट्रेलर बनाया। इस ट्रेलर में हमें एक एक बंदे का इंपॉर्टेंस दिखा गया, एक एक बंदे के कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया। पहली बात तो ट्रेलर में जो देश में जो सिचुएशन था उस समय, यानी किस तरीके से वुमेन्स पे अत्याचार होते थे, बच्चों पे अत्याचार होते थे और कैसे एकदम क्रूरल लोग थे, उन लोगों को दिखाया, उनकी असलियत को दिखाया। एंड आज देश में जिसने इतना सब कुछ किया, यानी कि बाघा जतिन उसका नाम तक नहीं है, आप सोच सकते हो इतिहास में बाघा जतिन का नाम नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, इंडिया का जो क्रांति है, हमारे भारत का जो क्रांति है, हमारे भारत की जो आजादी की कहानी आप सुनना चाहते हो तो जरूर जाना 19 अक्टूबर को थिएटर में, एंड हिंदी वाले 20 अक्टूबर को। ये ट्रेलर नहीं, ये आजादी का आंख है जो 1915 में बाघा जतिन इंडिया के लिए लेकर आए थे। उसमें बालासोर यानी कि जो बालेश्वर बोलते हैं उसको भी अच्छे से दिखाया गया लास्ट में, जिसको देख के पता चला कि आखिर में बाघा जतिन के साथ क्या हुआ था। एंड मैं तो बोल रहा हूं ये तमाचा है उन लोगों पे, ये मूवी उन लोगों को भी तमाचा है जो बंगाली इंडस्ट्री को बोलते हैं वो कुछ कर नहीं सकता। लिटरली ये मूवी अगर फ्लॉप होता है ना पैन इंडिया में, तो मैं सही बोल रहा हूँ कि ये लोगों को ना देश के फ्रीडम फाइटर के बारे में जानना है ना देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस क्या है कोई सा भी एक मूवी बना दो, बस देखना इनको मास 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 करते रहेंगे और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं बाघा जतिन, इनके बारे में अगर तुमको जानना है तो भाई तुमको थिएटर में जाना पड़ेगा। देव का एक्टिंग देखना है तो आपको थिएटर में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा।